विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हम विज्ञान कक्षा 10वीं त्रैमासिक में आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित करेंगे और यहाँ पर हम ये प्रयास करेंगे कि आज का जो वीडियो है आप सुनकर भी समझ पाएंगे। इसमें सभी उन प्रश्नों को मैंने सम्मिलित किया है जिनको आप सिर्फ सुनेंगे और समझेंगे तो आपका काम इस परीक्षा में बिल्कुल आसान हो जाएगा। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी वीडियो के अलग अलग लिंक भी आपको मिल जाएगी, जहां पर छोटे छोटे सारे प्रश्न आपको अतिरिक्त मिल जाएंगे। आइए हम प्रारंभ करते हैं आज का ये पूरा चैप्टर, जिसके अंदर त्रैमासिक परीक्षा विज्ञान में जो सारे छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे उनका उत्तर हम निकालने का प्रयास करेंगे। मैं हूँ बलवंत भंडारी और आप हैं मेरे चैनल गुरु एंड देव पर। सबसे पहले बात करते हैं हम वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को इसलिए साफ कर लिया जाता है ताकि इसकी ऊपरी सतह पर लगे धूल के कण जो भी जम रहे हों वो साफ हो जाए और मैग्नीशियम की सतह हवा के प्रत्यक्ष संपर्क में आ जाए और जलने में आसानी हो। अगला प्रश्न है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। अर्थात जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 के घोल में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग जो होता है इसलिए बदलता है क्योंकि लोहे द्वारा कॉपर को विस्थापित कर दिया जाता है। लोहा तांबे को यानी कॉपर को विस्थापित कर देता है और लोहा जो है सल्फेट का निर्माण हो जाता है। इसके समीकरण भी आप देख लीजिए, CuSO4 प्लस Fe, यानी Fe यहाँ पर कापर को प्रतिस्थापित कर स्वयं वहाँ बैठ जाएगा तो FeSO4 बन जाएगा और कापर बाहर निकल जाएगा। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। तो लोहे की वस्तुओं को जंग यानी संक्षारण से बचाने के लिए हम इनको पेंट करते हैं। पेंट वस्तु की सतह को नमी के सीधे संपर्क में आने से बचाता है, यानी जो भी वस्तु है उसके ऊपर डायरेक्ट पानी या नमी नहीं लगेगी तो जंग भी उस पर नहीं लगेगी। अगला प्रश्न है, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। यानी ऐसे पदार्थ जो तेल से बनते हैं या वसा जिनके अंदर होता है उनको नाइट्रोजन से प्रभावित कर दिया जाता है, क्यों किया जाता है। तो इसका उत्तर है कि इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वो खाद्य पदार्थ हवा के संपर्क में आते हैं तो उपचयित होकर विकृत गंध पैदा करते हैं। ये विकृत गंध पैदा होने से उनका स्वाद भी बदल जाता है और इन्हें क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ये जो जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं वो खराब हो जाते हैं, तो इस क्षतिग्रस्त यानी खराब होने से बचाने के लिए हम उन्हें नाइट्रोजन से प्रभावित कर देते हैं। जितने भी खाद्य पदार्थ के हम पाउच लेकर आते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन गैस इसीलिए भरी जाती है। यहीं पर एक प्रश्न भी बनता है कि विकृत गंधिता किसे कहते हैं। तो वही प्रश्न जो ऊपर हमने समझा, वसायुक्त अथवा तेली खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी जाती है तब उसका स्वाद या गंध बदल जाती है। उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाते हैं तथा उनके स्वाद एवं गंध बदल जाते हैं, इसे ही हम विकृत गंधिता कहते हैं। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती हो निकलती हो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। एक उदाहरण देख ले हम, श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। तो यदि ये समीकरण हम अगर लिखते हैं तो हमें दो जगह पर काम आ जाएगी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं तो ये लिख दें, और श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं तो भी ये लिख दें। इसकी समीकरण बनेगी C6H12O6, इसके साथ 6O2 यानी 6 अणु ऑक्सीजन की क्रिया करेंगे तो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा मुक्त होगी, अतः यह जो अभिक्रिया हुई ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। अब बात करते हैं सोडियम को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है। तो सोडियम को केरोसिन में डुबाकर इसलिए रखा जाता है क्योंकि सोडियम अत्यधिक यानी तेज क्रियाशील धातु होती है जिसके कारण ये ऑक्सीजन के साथ प्रबल अभिक्रिया करती है। यदि इसको हवा में खुला छोड़ दिया जाएगा तो ये आग पकड़ लेगी, इसलिए इसे केरोसिन तेल में डुबोकर या पेरोफिन में डुबाकर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन वह अभिक्रिया है जिसमें एक अभिकारक उपचयित यानी ऑक्सीडाइज होता है तथा एक अपचयित यानी रिड्यूस होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया
यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होती है वो कहलाती है रिडक्स अभिक्रिया। एक एग्जांपल देख लें अपन, CuO की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, तो यहां पर Cu प्लस H2O हो जाएगा, यानी यहां ऑक्सीकरण भी हुआ और अपचयन भी हुआ, यह अभिक्रिया हो गई आपकी रिडक्स अभिक्रिया। श्वसन के बारे में हम बात कर ही चुके हैं कि श्वसन किस प्रकार की क्रिया है, तो वो आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आगे चलते हैं हम, ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, इस अभिक्रिया में पूर्ण ऊष्मा में वृद्धि होती है, अर्थात बर्फ का जल में परिवर्तित होना हम कह सकते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया बर्फ प्लस ऊष्मा यानी जल प्राप्त हो गया हमको, तो ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया का एक उदाहरण हो गया। आगे चलते हैं हम, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया को समझाना है। तो विस्थापन अभिक्रिया, जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे, एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे, तो वह विस्थापन अभिक्रिया होगी और इसकी रिएक्शन है आपकी Zn प्लस CuSO4। ZnSO4 हो गया प्लस Cu, यहां Zn ने Cu को प्रतिस्थापित कर दिया, तो ये आपकी विस्थापन अभिक्रिया हो गई। द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह आयनों का आपस में आदान प्रदान होता हो, तो यह हो जाएगी आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी BaCl2 प्लस Na2SO4। तो यहां पर Ba का स्थान Na ले लेगा और Na का स्थान Ba ले लेगा, तो यह आपकी होगी BaSO4 प्लस ट्वाइस NaCl, ये रिएक्शन हो गई आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। संक्षारण किसे कहते हैं, तो जब लोहे या लोहे जैसे पदार्थों से बनी वस्तुएं अपने आसपास नमी के संपर्क में आती है, तब यह संक्षारित हो जाती है, क्षरण होने लगता है, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण से बचने के दो उपाय हैं, या तो गैल्वेनीकरण कर दें, गैल्वेनाइजेशन कर दें, यानी लोहे से बनी वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, तो ये गैल्वेनीकरण हो गया। प्रश्न यदि पूछा जाए गैल्वेनीकरण किसे कहते हैं, तो लोहे से बनी वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ाना गैल्वेनीकरण कहलाता है, या लोहे से बनी वस्तुओं को पेंट करके यानी ऑयल पेंट कर दिया जाता है, उससे भी संक्षारण से सुरक्षा हो जाती है। अगला प्रश्न है, दवा की बोतलें अधिकांशतः रंगीन होती है, यानी जिन बोतलों में दवा भरी जाती है वो कलर, जिसमें रंगीन बोतल होते हैं, ट्रांसपेरेंट यानी आर पार देखे जाने वाली बोतलें नहीं होती है, तो उसका कारण है कि दवा की बोतल जो होती है अधिकांशतः रंगीन इसलिए होती है क्योंकि प्रकाश रासायनिक क्रिया द्वारा प्रकाश का अवशोषण करके कुछ यौगिक जो दवा के अंदर हैं हानिकारक रसायन में बदल जाते हैं और खराब होने से परिवर्तित हो जाते हैं, अतः दवाओं को सीधे प्रकाश के संपर्क में आने से बचाने के लिए रंगीन बोतलों का उपयोग किया जाता है। अवक्षेपण अभिक्रिया से क्या समझते हो, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो क्रियाकारक विलयनों के आपसी संयोग से कोई ठोस अविलय कण अवक्षेप का निर्माण होता हो, यानी दो क्रियाकारक विलयन आपस में क्रिया कर रहे हैं और क्रिया के उपरांत वहां जो पदार्थ बना अविलय कण, यानी ऐसा कण बना जो उस विलयन के अंदर नहीं घुलेगा और अलग से नीचे बैठ जाएगा, अवक्षेप का निर्माण होता है, तो इसे अवक्षेप कहते हैं और ये विलयन में नीचे बैठ जाते हैं, इस प्रकार की क्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। अवक्षेपण अभिक्रिया का हम उदाहरण देखें तो बेरियम क्लोराइड में यदि पोटेशियम सल्फेट मिलाएं तो बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है और यह नीचे बैठ जाता है, बेरियम सल्फेट BaSO4 का अवक्षेप प्राप्त होता है। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जब दो या दो से अधिक तत्व का या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हो, यानी दो मिलकर एक बनाते हो, तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कार्बन और ऑक्साइड मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं, तो ये हो गई आपकी संयोजन अभिक्रिया। अम्ल और क्षार की यदि हम बात करें तो क्या होगा, यदि विरंजक चूर्ण को वायु में खुला रख दिया जाए, तो अम्ल और विरंजक चूर्ण को यदि हम वायु में खुला रखते हैं तो खुला रखने से इसकी क्रियाशीलता धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके क्लोरीन गैस निकल जाएगी, यानी विरंजक चूर्ण जो है आपका CaOCl2, ये
कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनाता है और क्लोरीन गैस यहां से निकल जाती है। जिप्सम क्या है, क्या होगा यदि इसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है? जिप्सम यानी CaSO4 .2H2O यानी CaSO4 के साथ यदि दो अणु पानी के हो तो यह कहलाता है जिप्सम। अब यदि जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो यह प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाएगा और यहां से डेढ़ अणु यानी 1/1/2 अणु जल बाहर निकल जाएगा। जिप्सम जो है ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में पाया जाने वाला पदार्थ है, जिसको यदि हम गर्म करेंगे तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदलेगा और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4.1/2O। धावन सोडा क्या है? धावन सोडा क्रिस्टलन जल के 10 अणु युक्त सोडियम कार्बोनेट होता है, यानी सोडियम कार्बोनेट का सूत्र लिखो और उसके साथ 10 अणु पानी के लगा दो तो ये कहलाएगा धावन सोडा। ये सफेद क्रिस्टली ठोस है और जल में विलेय है। इसका उपयोग जो होता है अपमार्जक के रूप में इसका उपयोग होता है, कांच बनाने में, कास्टिक सोडा, साबुन, बोरेक्स आदि के निर्माण में इस धावन सोडे का उपयोग किया जाता है। इसका सूत्र हो जाएगा Na2CO3.10H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हमने ऊपर अभी बात करी जिप्सम से बनने वाला, उसके क्या उपयोग हैं? तो टूटी हुई हड्डी को जब डॉक्टर जोड़ता है तो उसको सीधी रखने में इसका उपयोग होता है, दंत चिकित्सा में सांचे बनाने में इसका उपयोग होता है और मूर्तियां बनाने में इसका उपयोग होता है और घरेलू सज्जा में प्लास्टर ऑफ पेरिस की छतें बनाई जाती है, डिजाइन बनाई जाती है, वहां पर भी इसका उपयोग किया जाता है। विद्यार्थी मित्रों, वीडियो लंबा जरूर होगा लेकिन आज का वीडियो आप सिर्फ सुनकर भी समझ पाएंगे। पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखते हैं? तो पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि इन पदार्थों की प्रकृति अम्लीय होती है। दही और जो खट्टे पदार्थ होते हैं वो अम्लीय होते हैं और अम्ल तांबे के बर्तन से क्रिया करके जहरीला पदार्थ पैदा करता है, इसलिए इन बर्तनों में अम्लीय चीज़ें यानी खट्टे पदार्थ नहीं रखे जाते। एक प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि ताजे दूध का pH मान 6 होता है और यदि दही बन जाने पर इसके pH मान में क्या चेंज होगा? तो ताजे दूध का pH मान 6 होता है किंतु जब दूध का दही में परिवर्तन होता है, दूध जम जाता है यानी जिसको हम जमाना कहते हैं, तो लैक्टिक अम्ल की सांद्रता अधिक हो जाती है और चूंकि अम्ल की सांद्रता बढ़ी अर्थात pH मान घटेगा तो ये घटकर pH मान 4.5 से लगाकर 5.5 के बीच हो जाता है। एक और प्रश्न आता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है, यानी आर्द्ररोधी का मतलब एयरटाइट बर्तनों में क्यों रखा जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को एयरटाइट बर्तन में इसलिए रखा जाता है कि अगर वो खुला रहा तो नमी के संपर्क में आएगा, नमी को अवशोषित कर लेगा और ये वापस जिप्सम में बदल जाएगा। यही कारण है कि इसे आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है। तो जो रिएक्शन हमने जिप्सम को प्लास्टर ऑफ पेरिस बदलने की लिखी थी उसी को यदि हम उल्टी करके लिख दें, यानी CaSO4.1/2O प्लस 1/1/2H2O तो यह CaSO4.2H2O में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी सीधी रिएक्शन अगर लिखें तो जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त करना और आर्द्ररोधी बर्तन में रखने का कारण CS को पानी के डेढ़ अणु के साथ लिखकर जिप्सम अंत में लिख दें तो यह रिएक्शन हो जाएगी। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जब अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया होती हो तो वो अभिक्रिया कहलाएगी जिसमें लवण एवं जल प्राप्त होते हैं, तो यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। NaOH यह क्षार, HCl यह अम्ल, दोनों की क्रिया कराई तो आपको मिला NaCl प्लस H2O। NaCl आपका लवण है और H2O पानी है, तो यह आपकी हो गई उदासीनीकरण अभिक्रिया। एक प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है और इसकी जांच कैसे करेंगे? तो धातु के साथ जब भी अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। एक रिएक्शन देख लेते हैं हम, जिंक प्लस H2SO4 यानी जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन, ZN प्लस H2SO4।
ZnSO4 निकला प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से मुक्त हो जाएगी। चूंकि ये हाइड्रोजन गैस रंगहीन होती है तो हमें ऐसे तो पता नहीं चलेगा, जो जलती हुई मोमबत्ती के संपर्क में लाने पर आवाज के साथ जलती है, यानी जहाँ ये हाइड्रोजन गैस निकल रही हो टेस्ट ट्यूब के पास में यदि जलती हुई मोमबत्ती को लाएंगे तो एक फटफट करके आवाज आएगी, अर्थात ये गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। टाइटेनियम को रणनीतिक धातु क्यों कहा जाता है? टाइटेनियम जो होती है धातु वो बहुत कड़ी यानी मजबूत दृढ़ धातु होती है, इसका गलनांक बहुत उच्च होता है, ये विद्युत एवं ऊष्मा की अच्छी चालक होती है, वजन में हल्की होती है, जंग प्रतिरोधकता इसकी उच्च होती है, यह युद्ध के विमान तथा जहाज बनाने में प्रयुक्त होती है, यह अन्य प्रकार की युद्ध सामग्री बनाने में भी प्रयुक्त की जाती है, अतः इसे रणनीतिक धातु कहते हैं। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात लोहे की मिश्र धातु का नहीं, क्यों? यानी गर्म जल के जो टैंक बनाए जाते हैं जिसमें गर्म पानी भरा जाता है उसको बनाने में तांबे के उपयोग करते हैं, इस्पात यानी लोहे की मिश्र धातु का उपयोग नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि तांबा यानी कापर कम क्रियाशील धातु है, यह ठंडे और गर्म जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं दर्शाता है, साथ ही खनिज अम्लों से क्रिया करता है, न ही वो खनिज अम्लों से भी क्रिया न करता है, इसका कारण है कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग किया जाता है। एनीमिया के रोगी को लोह तत्व युक्त पालक खाने की सलाह दी जाती है, क्यों? यानी जिस व्यक्ति के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो हम कहते हैं कि एनीमिया रोग हो गया, यानी खून की कमी हो गई, तो हीमोग्लोबिन में लोह तत्व मुख्य अवयव होता है, लोह तत्व की कमी को पूरा करने के लिए एनीमिया का जो पेशेंट होता है, रोगी होता है, उसे लोह युक्त पालक खाने की सलाह दी जाती है कि पालक के अंदर लोहे की मात्रा यानी हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए उसे यह सलाह दी जाती है। आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च होते हैं, इसका क्या कारण है? तो आयनिक यौगिक जो होते हैं उनके अंदर धन एवं ऋण आयनों के बीच एक मजबूत आकर्षण बल होता है, जो आयनिक यौगिक होते हैं उनके जो धन आयन है ऋण आयन है उनके बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है वो आकर्षण बल मजबूत होता है। आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं, ये कठोर क्यों हुए कि आकर्षण बल के कारण, एवं गलनांक बहुत अधिक होता है क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च होते हैं। धातु अधातु में अंतर की बात करें तो धातुएं सामान्य ताप पर ठोस होती है, इसमें पारा हम छोड़ सकते हैं, धातुएं आघात वर्धी होती है, चमकदार होती है, ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, इनके गलनांक कथनांक अत्यधिक होते हैं, प्राय कठोर होती है, पारा को यानी द्रव धातु को छोड़ दें, और इनके आपेक्षिक घनत्व अधिक होते हैं, और धातुएं अपारदर्शक होती है। अधातुओं की यदि बात कर लें तो ये तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, सामान्य ताप पर फास्फोरस सल्फोरस सल्फर जो है ठोस रूप में और गैसीय रूप में ब्रोमीन तरल रूप में होती है, ये भंगुर होती है, यहाँ का हमने कि वहाँ आघात वर्ध होती है यहाँ टूट जाती है, धात्विक चमक इनके अंदर नहीं होती है, हीरा ग्रेफाइट तथा आयोडीन इसके अपवाद हैं, ग्रेफाइट और कार्बन गैस को छोड़कर सभी अधातुएँ कुचालक होती है, अधातुओं के गलनांक एवं कथनांक कम होते हैं, ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाओं में मिलती है, इनका अपेक्षिक ताप प्रायः कम होता है, और गैसी अधातुएं पारदर्शक होती है। अब हम आगे की बात करते हैं। अध्ययन की दृष्टि से मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा और कौन कौन से भागों में बांटा गया है? तो अध्ययन की सुविधा के लिए मस्तिष्क को यानी दिमाग जिसको हम कहते हैं मस्तिष्क को तीन भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन और पश्चिम मस्तिष्क हिंड ब्रेन। यदि इनके कार्यों की बात करें तो प्रमस्तिष्क के जो कार्य होते हैं वो मुख्य रूप से होते हैं, यह समस्त ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं निगमन करता है, नियमन और नियंत्रण वहीं पर होता है, यह बुद्धि विचार स्मृति मनोभाव अनुभव आदि का केंद्र होता है, जिन मनुष्यों में इनका विकास कम होता है हम उनको मंद बुद्धि कह देते हैं,
यह तंत्रिका तंत्र के अन्य शेष भागों पर नियंत्रण करता है, ये कहलाता है प्रमस्तिष्क। एक प्रश्न जो कई बार पूछा जाता है, सूत्र युग्मन किसे कहते हैं? तो दो तंत्रिका तंत्रिकाओं के बीच मिलने का जो स्थान होता है, दो तंत्रिकाओं के बीच मिलने का स्थान सूत्र युग्मन यानी सिनेप्सिस कहलाता है, सूत्र युग्मन कहलाता है। स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है? स्वपोषी जो पौधे या जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं, यानी ऐसे पौधे या जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो कहलाएंगे स्वपोषी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हरे पौधे। विषम पोषी पोषण वे जीव जो अपने भोजन के लिए पूर्ण या आंशिक रूप से किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं विषम पोषी या परपोषी कहलाते हैं। अगला प्रश्न आता है कि पाचक एंजाइम के कार्य क्या हैं? तो पाचक एंजाइम जो होते हैं ये पाचन में मदद करते हैं। ये प्रोटीन को अमीनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को वसी अम्ल व ग्लिसराल में तोड़ देते हैं। यही कार्य हैं पाचक एंजाइम के। मृत जीवी पौधों के उदाहरण बताओ। तो मृत जीवी पौधे जो हैं कवक, जीवाणु और कुकुरमुत्ता जो हैं, ये आपके मृत जीवी पौधों के उदाहरण हैं। एक प्रश्न जो कई बार पूछा जाता है, ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन क्या है? तो पहले बात करते हैं हम ऑक्सी श्वसन की। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है वो ऑक्सी श्वसन कहलाता है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण ऑक्सी श्वसन कहलाता है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और अंत में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है, CO2 और H2 यहां से निकलता है। यहां पर 38 ATP अणु बनते हैं, 38 ATP अणु यहां पर बनते हैं। अनाक्सी श्वसन की बात करें तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण अनाक्सी श्वसन कहलाता है। इसमें ग्लूकोज अणु का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, अंत में कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल बनता है। यह जो प्रक्रिया है ये केवल कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है और इस अभिक्रिया में दो अणु ATP का निर्माण होता है। लाल रक्त कोशिकाएं रक्त के अंदर जो पाई जाती है, कौन कौन सी कोशिकाएं वहां पर पाई जाती है? तो रक्त के अंदर चार प्रकार की चीजों को माना गया है, लाल रक्त कणिकाएं RBC, श्वेत रक्त कणिकाएं WBC, पट्टिकाएं प्लेटलेट्स एंड रक्त का प्लाज्मा। तो लाल रक्त कणिकाएं, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करता है, यानी पूरी शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य लाल रक्त कणिका ही करती है, O2 को पूरे शरीर में भागों में पहुंचाती है। श्वेत रक्त कणिकाएं WBC जिसको हम कहते हैं, ये हानिकारक जीवाणु की बात कर रहे हैं तथा मृत कोशिकाओं का भक्षण कर उन्हें नष्ट कर देती है। अतः ये कणिकाएं किसी संक्रमण के प्रति हमारे शरीर में रक्षक का कार्य करती है। पट्टिकाएं प्लेटलेट्स ये रुधिर का थक्का बनाने में मदद करती है, यानी रक्त को जमाने का कार्य करती है। यदि किसी के शरीर में पट्टिकाएं कम हो जाती है और यदि उसे चोट लगती है तो वहां पर ये थक्का नहीं जमता और ब्लड जमता नहीं है तो वहां से रक्त का रिसाव लगातार होना लगता है और कई स्थितियों में यदि प्लेटलेट्स की कमी होती है पट्टिकाओं की तो व्यक्ति की मौत तक हो सकती है। चौथा भाग है इसका प्लाज्मा, यह रुधिर का यानी रक्त का तरल भाग है। इसमें बहुत से लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, प्रोटीन, हार्मोन यानी शेष अवयव घुले होते हैं, इन्हीं पदार्थों का ये संवहन करता है। तो ये है आपका रक्त और उसके विभिन्न भागों के। इसमें प्रश्न आता है रक्त लसिका क्या है और रक्त क्या है? तो लसिका यानी लिम्फ जो होती है एक रंगहीन द्रवी उत्तक है। इसमें लाल रक्त कणिकाओं का पूर्ण अभाव होता है, यानी लसिका के अंदर लाल रक्त कणिकाएं नहीं पाई जाती है, अभाव यानी बहुत कम पाई जाती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है और इसमें अपशिष्ट पदार्थ अधिक होते हैं। रक्त की यदि बात करें हम तो ये गहरे लाल रंग का द्रवीय उत्तक है।
लसिका रंगहीन था और ये गहरे लाल रंग का द्रवी उत्तक है। इसमें लाल रक्त कणिकाएं उपस्थित होती है, इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और इसके अंदर अपशिष्ट पदार्थ कम होते हैं। धमनी और शिरा में ही इसी प्रकार का अंतर पूछा जाता है, धमनी क्या है, शिरा क्या है। तो धमनियां जो होती है ये इनकी जो भित्तियां होती है लचीली तथा मोटी होती है, जबकि शिरा की जो भित्ति होती है वो पतली एवं लचीली होती है। धमनी की गुहिका संकरी होती है यानी पतली होती है और शिरा की गुहिकाएं चौड़ी होती है। धमनियों में ऑक्सीकृत रक्त होने के कारण लाल दिखाई देती है, यानी धमनी के अंदर यूं कह सकते हों कि शुद्ध रक्त, जिसको हम परिभाषा में सामान्य वो में बोल देते हैं, यानी ऑक्सीजन की मात्रा जिसके अंदर होती है वहाँ पर हमें लाल रक्त दिखाई देता है। जबकि शिराओं के रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका कलर नीला दिखाई देता है और कई बार हमने हाथ में या इस तरह के नलिकाएँ दिख जाती है जहाँ नीला कलर दिखाई देता है। धमनी में कपाट नहीं होते हैं जबकि शिराओं में कपाट पाए जाते हैं। धमनी के अंदर कपाट नहीं होते हैं और शिरा में कपाट पाए जाते हैं। धमनी में रक्त रुक रुक कर अधिक दाब से बहता है और शिराओं में जो रक्त होता है धीमी गति से निरंतर कम दाब से बहता है। धमनी जो होती है, चूंकि अंदर शुद्ध रक्त की हम बात कर रहे हैं, ऑक्सीकृत रक्त की बात कर रहे हैं, तो ये हृदय से पूरे शरीर में रक्त को ले जाने का कार्य करती है। शिराओं में जो रक्त बहता है, चूंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो पूरी बॉडी से पूरे शरीर से वापस हृदय तक रक्त को लाने का कार्य करती है। प्रकाश के परावर्तन को समझाओ या इसके नियम लिखो, तो प्रकाश का परावर्तन, जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर टकराती है और वापस उसी मार्ग माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। नियम, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है और आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। इसी प्रकार अपवर्तन का प्रश्न पूछा जाता है, तो अपवर्तन क्या है, इसके नियम क्या है, तो प्रकाश की किरण का किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरी पारदर्शी माध्यम में जाने पर माध्यम जब बदलता है तो सरल रेखीय मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके नियम में आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। दोनों नियमों में सिर्फ यही फर्क है, वहां पर परावर्तित किरण है और यहां पर अपवर्तित किरण है। और दूसरा है कि एक ही रंग के प्रकाश की किरणें जो जिस सीमा पृष्ठ पर पड़ती है तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, इसे ही हम स्नेल का नियम कहते हैं, यानी म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, तो गोली दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है, अर्थात एफ जो है, एफ का जो मान है वो आर का दुगना होता है, यानी 2f बराबर आर कह सकते हैं या f बराबर आर बाय 2। वाहनों में पीछे देखने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो वाहनों में जो उत्तल दर्पण में छोटा एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है, अतः हम पीछे से आने वाले वाहनों को आसानी से देख सकते हैं, अतः उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पीछे देखने के लिए किया जाता है। सघन एवं विरल माध्यम से आप क्या समझते हो, तो जिस माध्यम का प्रकाशिक घनत्व अधिक होता है वह सघन कहलाएगा और जिस माध्यम का प्रकाशिक घनत्व कम होता है वह माध्यम विरल कहलाएगा। लेंस की क्षमता क्या है, तो लेंस की मीटर में व्यक्त फोकस दूरी यानी मीटर में नापी गई फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की क्षमता कहलाती है। इसका मात्रक होता है डायप्टर, अर्थात हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 1/f और इसको डायप्टर में नापा जाता है। आवर्धन किसे कहते हैं, इसका सूत्र क्या है, तो किसी प्रकाशिक युक्ति द्वारा यानी किसी प्रकाशिक विधि द्वारा उत्पन्न आवर्धन वह आपेक्षिक विस्तार है जिसमें ज्ञात होता है कि उस युक्ति द्वारा बना प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है, यानी जो प्रतिबिंब बना वो वस्तु के सापेक्ष कितना गुना बना, वो छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, अर्थात आवर्धन एम बराबर हुआ प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई भी हम कह सकते हैं, यानी m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h।
हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? यानी हीरे का जो अपवर्तनांक है 2.42 है, इस क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि वायु में प्रकाश की चाल की अपेक्षा हीरे में प्रकाश की चाल 2.42 गुना कम होती है। या यूं भी कह सकते हैं कि वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल तथा हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात 2.42 है और इसी कारण हीरा बहुत ज्यादा चमकदार होता है। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं, क्यों? तो हम ये भी जो बात करी वही इसका उत्तर है कि वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता यानी प्राथमिकता देते हैं। उसका कारण है कि इसके अंदर वस्तु का सीधा आभासी तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, जिससे जो वाहन चालक है वो पीछे के दृश्य को अच्छी तरह से देख सकता है। अवतल दर्पण के उपयोग, तो अवतल दर्पण के उपयोग कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, तो दाढ़ी या हजामत बनाने में, डॉक्टर द्वारा नाक कान गला इत्यादि की जांच करने में, टार्च सर्च लाइट या वाहनों के लैंप में परावर्तक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हुआ आपका। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अगला जो मित्रों आपका वीडियो लंबा ज़रूर है, लेकिन ये आज का वीडियो आप इसको ऑडियो के रूप में भी अगर लेंगे तो हम बहुत सारे प्रश्नों को आसानी से समझ कर परीक्षा में लिख पाएंगे। तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, क्यों? जबकि चंद्रमा टिमटिमाता हुआ नहीं दिखता है। तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायु का जो घनत्व है उसका अपवर्तनांक क्रमशः कम होने लगता है। इसके साथ पृथ्वी पर ताप परिवर्तन के कारण तथा वायु में कणों की गतिशीलता के कारण विभिन्न परतें अलग अलग घनत्व की हो जाती है। किसी तारे से आने वाली किरणें लगातार अपना मार्ग बदलेगी, क्योंकि रास्ते में जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक अलग अलग हो गया, जिसके कारण पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक यानी हम जो देख रहे हैं उसको किरणों की संख्या में लगातार बदलता हुआ दिखाई देगा। यही कारण है कि तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। बात आती है चंद्रमा क्यों नहीं टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है, तो चंद्रमा हमारी पृथ्वी के बहुत समीप है। चंद्रमा से हमें इतना प्रकाश मिलता है कि वायु परतों के परिवर्तन में कोई चेंज हमें नज़र नहीं आता, उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात चंद्रमा स्थायी रूप से चमकता हुआ दिखाई दे जाता है। प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण को समझाओ, या ये कह सकते हैं कि विक्षेपण किसे कहते हैं, तो श्वेत प्रकाश का अपने सात अवयवी रंगों में विभक्त होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। और ये प्रिज्म से जब वर्ण विक्षेपण होता है तो इसमें जो कलर लिखते हैं हम बेजा नीह पीनाला या VIBGYOR प्रिज्म के साथ बनाते हैं इस चित्र को। और चित्र में जो कलर लिखे जाते हैं, ध्यान रखें, नीचे से बैंगनी से शुरू करके बैंगनी जामुनी नीला हरा पीला नारंगी और लाल की तरफ जाएंगे तो ये बनेगा आपका श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इसमें एक ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा जाता है कि किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, किस रंग का विचलन सबसे कम होता है, तो इसका जवाब ये आएगा कि लाल रंग चूंकि सबसे कम विचलित होता है और बैंगनी रंग नीचे की ओर है तो बैंगनी रंग का जो विचलन होता है वो बहुत अधिक हो जाता है। अब आते हैं कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है, तो अंतरिक्ष में जो यात्री जा रहा है उसको आकाश नीले रंग की अपेक्षा काला इसलिए दिखता है क्योंकि अत्यधिक ऊंचाई पर चले जाने के बाद वायुमंडल है ही नहीं वहाँ पर, यानी वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण वहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है और यही कारण है कि आपको अंतरिक्ष यात्रियों को वायुमंडल यानी आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। बात आती है निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष की, तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखती है और दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इसका निवारण अवतल लेंस का चश्मा पहनकर किया जाता है। निकट दृष्टि दोष का कारण है कि नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है। दूसरा कारण है नेत्र का जो गोलक है वो लंबा हो जाता है, या ये भी कह सकते हैं कि नेत्र लेंस से रेटिना तक की दूरी बढ़ जाती है। नेत्र लेंस से दूरी जो हो जाती है वो बढ़ जाती है। दूरदृष्टि दोष, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, दूरदृष्टि दोष कहलाता है।
इसका कारण नेत्र लेंस की वक्रता का कम होना या नेत्र गोलक का संकुचित हो जाना, या ये भी कह सकते हैं हम कि रेटिना और नेत्र लेंस के बीच की दूरी यदि कम हो जाएगी तो प्रतिबिंब रेटिना से दूर बनेगा, यानी पीछे की तरफ बनेगा, तो ये दोष दूरदृष्टि दोष इसका कारण हुआ। इसका निवारण जो हम करते हैं उत्तल लेंस का चश्मा पहनकर करते हैं। जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो जरा दृष्टि दोष यानी ना तो निकट का स्पष्ट दिखाई दे ना दूर का स्पष्ट दिखाई दे, यानी जरा यानी बुढ़ापे में इस तरह के दोष हो जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करना पड़ता है और उससे उसका निवारण किया जाता है। मित्रों, वीडियो लंबा जरूर हुआ है लेकिन मैंने प्रयास किया है कि इन छोटे छोटे प्रश्नों से आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जितने भी मैटर हमने आज जितने भी टॉपिक सिलेक्ट किया है सभी की लिंक मिलेगी, जहां पर प्रत्येक का अलग अलग वीडियो भी आपको मिल जाएगा। यदि आप उनको देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन को जरूर देखें। वीडियो आपने अंत तक देखा सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, जय जिनेंद्र।